हालत खराब हो रही है। 401, 402, 402। तो गाइस मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि 53 एंड 54, 554 स्टेप। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो गाइस आज है संडे और तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज कहीं बाहर जाते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक मंदिर है खंडोबा मंदिर करके, विच इज़ बिटवीन अंबरनाथ एंड बदलापुर, मतलब वो बारबी डैम को जाने वाले रास्ते पे। तो मैं कभी गया नहीं वहाँ पर, तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे तो बहुत मतलब एकदम कड़क धूप वगैरह, एकदम धूप है। तो अभी निकलते हैं, तो देखते हैं, अभी मेरा फ्रेंड आ रहा है नीचे, तो अभी हम लोग जाएंगे। तो ब्लॉग पॉइंट तक देखना, और वो मंदिर के लिए कुछ 500 स्टेप्स ऐसा कुछ तो है, मतलब 500 स्टेप्स कुछ चढ़ के जाना पड़ता है वो मंदिर का दर्शन लेने के लिए ऊपर। तो मुझे भी इतना पता नहीं, तो अपन जाके देखते हैं अभी। तो वीडियो को एंड तक देखो, और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस बहुत मतलब बहुत ही कड़क धूप है, मतलब अभी आप लोग को बता दो, देखो धूप कितना है यहाँ पे, देखो क्या धूप है यहाँ पे। यहाँ से आने वाला है मेरा दोस्त, और इतना धूप है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूप है। देखते हैं अभी, चलो जाते। अभी हम लोग आए मुलगाँव, और अभी मैं मुलगाँव में वड़ा पाव खाने के लिए रुका हूँ। यहाँ का वड़ा पाव बहुत फेमस है, तो अभी वड़ा पाव के लिए रुके हम लोग। तो अभी हमारा वड़ा पाव आएगा, थोड़ा खाते नाश्ता करते फिर जाएंगे मंदिर के लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं वड़ा पाव के लिए रुके, देखते अभी वड़ा पाव आता कितना टेस्टी हो जाए, ठीक है। तो वड़ा पाव आ गया, आपको पता चलता है गरम गरम वड़ा पाव। अभी हम लोग ने खाया वड़ा पाव, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मतलब खंडोबा मंदिर के लिए निकल रहे हैं अभी। और यहाँ पे हम लोग ने खाया वड़ा पाव, जो कि बहुत टेस्टी था और एकदम गरम गरम था, तो वड़ा पाव खाने मज़ा आया बहुत। तो अभी जा रहे हैं मंदिर के लिए, तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से फटाफट मंदिर के लिए, ठीक है, बाय। तो गाइज अभी हम पहुंच गए मंदिर के एंट्रेंस पर, और यहाँ से हमें अभी चल के जाना है, कुछ मतलब स्टेप्स चढ़ के जाना है अभी अभी मंदिर पहुंचने के लिए। और ये यहाँ पर फुल ग्रीनरी मस्त व्यू था मंदिर के यहाँ पे नीचे साइड। और यहाँ पे हम लोग ने गाड़ी पार्क किया है, और अभी हम लोग चलने के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम लोग ने स्टार्ट करते समय ही देखा कि कुछ बड़े बड़े स्टेप्स है, मतलब ऐसे सीढ़ियाँ जो है वो थोड़ी लंबी लंबी सीढ़ियाँ है। तो अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है, हमें पता नहीं कि अभी कितना टाइम लगेगा ऊपर चढ़ने, तो अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है, अभी देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है वो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा ऐसा लेफ्ट टर्न राइट टर्न वाली सीढ़ियाँ है। तो अभी देखते हैं स्टार्ट कर रही है, तो अभी कब तक पहुँचते, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए गाइस। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 200 का व्यू। ये 200 हो गया, 200 तक का स्टेप मस्त व्यू है। चलो अभी आगे चलना है, और ये 200 तक का स्टेप है गाइस, अभी आगे चलते हैं। और
मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि अभी 265 सीढ़ी में चढ़ा हूँ और धूप बहुत है यहाँ पर। अभी मैं चाव में बैठा, धूप बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है अभी। और यहाँ पे मतलब स्टेप्स भी जो है ना बहुत बड़े बड़े स्टेप्स है, छोटे छोटे स्टेप्स नहीं है, तो चल के जाने बहुत टाइम लग रहा है। बट देखते पूरा एंड तक जाते और टोटल कितना स्टेप से काउंट करते, तो चलो अभी जाते हैं। अभी मैं 265 वाले स्टेप पे बैठा हूँ, अभी आगे काउंट करते हैं मंदिर तक कितना स्टेप से टोटल, तो चलो जाते। हालत ख़राब हो रही है, 401 402 3 4 5 6 7 8 9 10 410 हुआ, 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 420 और पता नहीं मुझे और कितने सीढ़ी है। चलो देखते अभी मिलता पापा भी डायरेक्टली ऊपर। तो गाइज ये जो है ये मंदिर के मतलब पास का एंट्रेंस है, मतलब पास में एक एंट्रेंस है, यहाँ पे से मंदिर बहुत नज़दीक है, मतलब 40-50 स्टेप्स ही कुछ है यहाँ से। और यहाँ पे पूरा हरियाली हरियाली है, मतलब आजू बाजू पूरा ग्रीनरी है और यहाँ पे सिर्फ मंदिर जाने के लिए रास्ता है, आजू बाजू पूरा जंगल है, पूरा झाड़ वगैरह सब है। और बट सीन जो है सीनरी वो बहुत मस्त है। और एक बात है गाइज, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ है वो बहुत लंबी लंबी है ना, तो अगर आप लोग 50 स्टेप्स भी चलते हो तो ऐसा लगता है कि आप लोग ने 100 स्टेप्स चल चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत लंबी लंबी सीढ़ियाँ है। 411 412 513 फाइनली रीच, 514 15 516 517 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 बहुत बड़े बड़े सीढ़ी है इधर, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 and 54 554 steps। निकल रहे हैं यहाँ पे, बहुत मतलब धूप तो नहीं बोल सकते बट बहुत हवा आ रहा है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस घर पे जाने के लिए, क्योंकि वापस अभी स्टेप्स उतरना है 545 स्टेप्स। और ये कुछ ऐसा मतलब मंदिर का 2 मिनट रुका आया मैं, 2 मिनट, ये मंदिर का बैक साइड है, ये पूरा बैक साइड है मंदिर का। और देखो मंदिर यहाँ पर है, तो देखो इतना कुछ अच्छा मस्त व्यू है यहाँ से, देखो इतना मस्त भी है। जब मतलब अभी ये कैमरा में कैसा दिख रहा है, अगर आप लोग को भी मतलब अगर आप लोग लाइव देखेंगे ना मतलब खुद से, तो बहुत सही व्यू दिखता है ये, तो अभी बहुत सही व्यू है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, तो अभी स्टार्ट करते उतरने के लिए, तो अभी आप लोग को मिलता हूँ बाद में। अभी जा रहे हैं अपन घर पे, अभी ये भाई बट इधर बारिश में जब भी आएंगे ना तो रिस्की है चलने का यहाँ पर, बारिश में पूरा स्लिपरी रहेगा, थकान नहीं होगा क्योंकि वो पानी थकान नहीं होगा बट ये स्लिपरी कितना रहेगा, पैर भी स्लिपेगा। देखना अभी भी कितना, ये देखना थोड़ा थोड़ा पैर स्लिप हो रहा है इतना धूप रहने के बावजूद भी। अगर रेनी सीजन में आएगा तो पूरा बहुत संभल के आना पड़ेगा, इसके लिए साइड में लोग ने सब लगाए ताकि पकड़ पकड़ के, ये साइड का रेलिंग्स तो उसको पकड़ पकड़ के आ सके। और फास्ट नहीं, आराम आराम से चलेगा तो वही अच्छा रहेगा ना, क्या फास्ट फास्ट चलेगा तो थक जाएगा, जितना फास्ट फास्ट चलेगा उतना। ओह
तो गाइज उतरते वक्त जो है वो स्टेप्स एकदम स्ट्रेट नहीं है, वो भी ऐसा लेफ्ट राइट टर्न है बहुत, तो ऐसा लगता है कि कोई ढकल रहा है पीछे से। तो उतरते समय कभी फास्ट नहीं उतरना यहाँ पे, अगर आप लोग आओगे कभी तो स्लो स्लो उतर के चले जाना। और तो गाइज इधर थोड़ा ऐसा रुकने के लिए स्पॉट दिया है, मतलब अगर आप कंटिन्यूस चल के आते हो स्टेप्स तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर आप रुक सकते हो, फिर उसके बाद आप वापस स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर पे के लिए, तो हम लोग यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग ने चढ़ के गए ऊपर। हाँ हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, चलो। तो गाइस अभी हम लोग आ गए नीचे, पूरा नीचे उतर चुके हैं अभी, और अभी हम लोग ने एक पानी का बॉटल लिया है 20 रुपये का, और अभी हम लोग पानी पी रहे फिर निकलते घर के लिए। और अभी यहाँ पर धूप भी कम हो चुका है, मतलब थोड़ा छाव आ चुका है अभी, तो अच्छा है, अभी थोड़ा पानी पीते फिर निकलते घर के लिए।